हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू विनय यस इंदौर। मैं हूँ वैष्णवी शुक्ला। आपने मेरी पिछली कुछ क्लासेस देखी होंगी इंग्लिश की, और मुझे आपके एकदम ट्रक भर भर के कमेंट्स मिले, और आई एम वेरी थैंकफुल। बहुत अच्छा लगा देखकर। और मैं सॉरी भी बोलना चाहती हूँ, मैं आपकी क्लासेस ले नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं मेनली SSC की टीचर हूँ, MP के लिए नहीं पढ़ाती हूँ। तो मेरे ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं और थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रही हूँ। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि अब हम बिल्कुल डिटैच्ड हो चुके हैं, संबंध वैसे ही हैं अभी भी। ठीक है, ठीक। देखिए, थोड़ी सी बात करनी थी आपसे। मैं मार्च में फ्री हो जाऊँगी, 1-2 मार्च तक मैं फ्री हो जाऊँगी। इसके बाद मैं आपकी रेगुलर प्रैक्टिस क्लासेस लेके आऊँगी। ठीक है, टिल देन आपको क्या करना है? देखो, दो ही चीज़ें होती हैं यार। अगर इक्वेशन सही ना बन पाए तो आप उस चीज़ को छोड़ दें, और या तो आप थोड़ा सा यू नो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। तो कोशिश करते हैं अपन कॉम्प्रोमाइज़ कर लेने की, क्यों इक्वेशन को तोड़ें, है ना। यानी मैं आपको अभी रेगुलर क्लासेस नहीं दे पा रही हूँ 1-2 मार्च तक। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स लेके आऊँगी बहुत शानदार तरीके से, और हम लाइव पढ़ेंगे और हम 1-1 घंटे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो 20 मिनट वाला था वो नहीं रहेगा, अपन प्रॉपर 1-1 घंटे पढ़ेंगे और लाइव पढ़ेंगे। डोंट वरी, बहुत मजा आएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये अभी के जो 10-12 दिन 15 दिन जो भी बीच के बच रहे हैं, उन सब में आपको क्या करना है? कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, आपको आपके कॉन्सेप्ट्स मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। ठीक है, उन टॉपिक्स को ध्यान से सुन लीजिए। आपके पेपर में बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं आने वाली हैं। हर एक टॉपिक का बेसिक पता होना चाहिए जिस पे आपको खास तौर पे ध्यान देना है। नाउन में बस बहुत बेसिक चीज़ें ध्यान देनी है आपको, है ना, कि नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा, कौन सा लगता है, क्यों लगता है। ठीक है, ये बहुत एक बेसिक चीज़ें जो भी होती हैं। ठीक है, इसके बाद आपको प्रोनाउन में भी एकदम बेसिक चीज़ें ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कि आपको प्रोनाउन जितने भी होते हैं उनका यूज़, ठीक है, फिर पजेसिव प्रोनाउन किस तरीके से यूज़ होते हैं, ठीक है, हु, विच, हुम, ये सब जो हैं, ठीक, या जिसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कह सकते हैं, या फिर हम जिनको रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, इन सब का क्या यूज़ होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या यूज़ होता है, एकदम बेसिक बेसिक, डिटेल में नहीं जाना है, है ना। और इसके बाद आर्टिकल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो आर्टिकल आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, वो तो आपके पेपर में आता ही है, और दैट इज़ वेरी बेसिक टॉपिक। आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर ध्यान देना है वो दो चीज़ें हैं ना। पैरेलल आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है, लेकिन जो मेन फोकस आपको रखना है वो रखना है कि इस पर सबसे पहले तो आपके टेंस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, ठीक, और दूसरा आपके वर्ब्स स्ट्रांग होने चाहिए, है ना। ये दो चीज़ें अगर आपकी स्ट्रांग हो गई तो आप आधी जंग तो यूं ही कॉन्कर कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन दो चीज़ों के हेल्प से आप मल्टीपल टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो, और ना बन रहे क्वेश्चन को भी आप उसके आंसर तक इजीली पहुंच सकते हो। ठीक है, तो आपको इन दो टॉपिक्स पे ध्यान देना है। तीसरा आपका छोटा सा बचता है क्वेश्चन टैग। देखो, आपके पेपर का लेवल जो है वो किसी को नहीं पता है कि कैसा आएगा, क्योंकि पहली बार पटवारी में इंग्लिश ऐड हुई है, लेकिन अगर हम उसी पर्टिकुलर बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स को देखें तो हम थोड़ा हिसाब लगा सकते हैं। और उसमें मैंने देखा है कि जो भी आपके एग्जाम्स हैं उन सब में ही क्वेश्चन टैग पूछा गया है, चाहे वो SI हो, चाहे वो ग्रुप 2 हो, 4 हो, या जितने भी, चाहे हाईकोर्ट हो, सब में क्वेश्चन टैग पूछा गया। और क्वेश्चन टैग मात्र 1 घंटे का टॉपिक है। ठीक है, मात्र 1 घंटे का टॉपिक है। अगर आप ध्यान से उसमें देख लो तो आप 1 घंटे के अंदर पढ़ भी सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तो बहुत आसान है, इससे अच्छे नंबर आपके बन जाएंगे। इसके बाद वॉइस आता है आपका, और आप एक बात का मेरा भरोसा रखिए कि मैंने आपको हार्डली 15 दिन भी प्रैक्टिस करवा दी ना, 1 घंटे की 15 दिन भी करवा दी ना, तो आपने जो पढ़ा होगा वो इतना बढ़िया तरीके से कंसोलिडेट हो जाएगा ना कि आपके नंबर में आप देखोगे, मैं बहुत ज़्यादा फेंकने वाली बात ही नहीं करती, पर आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपके नंबर में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो ठीक है, तो अपन करने ये वाले हैं, मेनली प्लान ये है कि देखो, अगर आपको किसी बिल्डिंग पर चढ़ना है कि या किसी बिल्डिंग को बनाना है, तो एक काम करिए, आप उसके पिलर्स पर काम कर लीजिए। ठीक है, आप उसके पिलर्स पे काम कर लो, मैं आऊँगी और मैं बढ़िया सा आपके बिल्डिंग का फ्रेम बनाऊँगी। क्यों? क्योंकि बाहर से तो दिखता फ्रेम है, लेकिन काम मेन होता है पिलर्स का, उसको होल्ड करने का। तो पिलर्स बनाने का मतलब ये था मेरा कि आप जो भी आपके टॉपिक्स हैं ना, उनको आप स्ट्रॉन्ग कर लो, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन दो उनका। ठीक है, और इसके बाद प्रैक्टिस की जिम्मेदारी पूरी मेरी है। फ्री में पढ़ेंगे, यूट्यूब में पढ़ेंगे, 1 घंटे का लाइव प्रैक्टिस सेशन लेंगे, और वो 1 घंटे का लाइव प्रैक्टिस सेशन इतना फ्रूटफुल होगा ना कि आपको मजा आ जाएगा। आप मेरे पिछले आधे घंटे के या 20-25 मिनट के जो 4 वीडियोज़ हैं, इवन अगर आप उनको भी देख लेंगे ना, आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जबकि वो सिर्फ 4 वीडियो हैं आधे आधे घंटे के। ठीक है, तो अब मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको कह रही हूँ कि अपन डेली 1 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझो कुछ तो बात होगी। ठीक है भाई, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। साथ ही साथ आपको ना वॉइस पे भी ध्यान दे लेना है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं पटवारी में, हमेशा ही से। लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि बहुत सारी तो इवन कोचिंग खुल गई थी नई, सिर्फ और सिर्फ पटवारी के दम पे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज़्यादा हैं, तो पेपर सेट करने वाला भी थोड़ा सा पेपर का स्टैंडर्ड ठीक ठाक सेट करेगा। तो उसके लिए आप वॉइस पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, वॉइस
ठीक, नरेशन पढ़ लो, और इन सब में ना आपको सिंपल सिंपल पढ़ना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वॉइस में आप देखोगे, वॉइस में आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सिंपल जो भी रहता है ना, कौन सा टेंस किस पे चेंज होगा, कौन सा क्या होता है, ये देखना है आपको। बहुत डीप डाउन जाके और बहुत वैसे एसएससी लेवल के सेंटेंस में आपको उलझने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे पूछे भी नहीं जाएंगे आपके पेपर में, ठीक है। और बाकी रही बात प्रैक्टिस की, तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। बस मैं एक दो मार्च से फ्री हूँ और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, क्लियर है। आई मीन फ्री तो तब भी नहीं हूँ, बट मेरे लेक्चर थोड़े से कम हो जाएंगे तो हम लोग जो है प्रॉपर यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी मेरे एसएससी के बैच चल रहे हैं और उनके पेपर होने वाले हैं बच्चों के, ठीक है, तो उनको बीच में नहीं छोड़ सकते अभी अपन, ठीक है। तो ये बातें करनी थी। और आज के दिन भी अगर आप पढ़ रहे हैं बैठ के, वीडियोस देख रहे हैं, आई मीन जैसे 7 दिवसीय वार्षिक महापर्व का आज समापन समारोह है, आप समझ रहे होंगे मैं वैलेंटाइंस डे की बात कर रही हूँ। तो अगर आज भी आप पढ़ रहे हो, इट मीन्स आप ऑफिसर बनने के लिए पैदा हुए हो, ठीक है, जनगणना के लिए नहीं पैदा हुए, ठीक है। तो कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही लगे रहो, यही बात करनी थी। ऐसा हुआ था कि अचानक से ब्रेक ले लिया था मैंने आपको बिना बताए, तो मुझे भी थोड़ा रूड सा लग रहा था, ठीक है। तो बस ये अपना बेस स्ट्रांग करिए। अच्छा हाँ, एक और चीज़ करना है कि ना, आप क्या करते हो कि जैसे आपने कोई जैसे मान लो नाउन पढ़ा, जस्ट एग्जांपल, आपने नाउन पढ़ा, अब आप नाउन को ना नाउन के रूल्स पढ़ रहे हो, रट रहे हो इधर उधर लटक लटक के, ठीक है। और भाई उसमें कुछ नहीं होगा। देखो बात ये है ना कि रूल्स हमें पूछे नहीं जाने पेपर में, हमें तो ऐसा करना है कि एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में हमें देखना है कि ग्रामर के रूल तो छोड़ो, तुम नाउन के रूल्स तो छोड़ो, ग्रामर के कौन से सेगमेंट का, कौन से टॉपिक का, कौन सा रूल यहाँ पे लग रहा है ना, जिसका वॉयलेशन किया जा रहा है। हमें यही चेक करना होता है ना एरर में, मतलब समझो कितनी लंबी प्रोसेस है। तो उसके लिए रूल्स जो है वो ऐसे सीधे सीधे नहीं याद होते, और याद भी हो जाए तो ऐसे सीधे सीधे आइडेंटिफाई नहीं होते। तो आप कोई भी, अब बढ़िया ठीक ठाक लेवल की, आई मीन एसएससी की मत लाना, पहले ही मैं बता रही हूँ, कोई भी एमपी लेवल की जो भी बुक्स आपकी आती होंगी, मैं तो देखो बता रही हूँ एमपी का पढ़ाती नहीं हूँ तो मुझे बुक्स का भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है। तो जो भी एमपी लेवल की आपको बुक आती है, आई मीन एमपी के लिए पढ़ाती थी मैं, पर मैंने ऐसे कभी बुक्स वगैरह का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है ना, क्योंकि मैं खुद ही प्रैक्टिस सेट्स बनाती थी बच्चों के लिए। आपके लिए भी मैं आऊँगी ना प्रैक्टिस के लिए, तो खुद अपने नए प्रॉपर फ्रेश प्रैक्टिस सेट्स बना के लेके आऊँगी, आपको कोई चेपा चापी प्रीवियस ईयर नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर आप खुद से कर लो, अभी आपको जो भी ये 10-12 दिन का टाइम दे रही हूँ उसमें आप प्रीवियस ईयर खुद से कर लो, मैं आपको फ्यूचर ईयर करवाऊंगी, ठीक है, खुद से बना के, है ना। तो कोई भी बुक ले लो आप जिसमें प्रीवियस ईयर्स हों या प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हों और आप थोड़ा ठीक ठाक लेवल के हों, है ना, बहुत ज़्यादा हाई फाई ना हो और बहुत ज़्यादा लो भी ना हो, तो उससे आप प्रैक्टिस करिए। और देखो मैं बता रही हूँ आपको, इंग्लिश में प्रैक्टिस इज दी ओनली की। अगर आप सोचो कि आप बहुत सारे रूल्स पढ़ लोगे और सारा दिन रूल्स पढ़ लोगे, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि पेपर देखो मैटर क्या करता है कि आपने जब क्वेश्चन को देखा तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करने चाहिए फटाक से कि भाई यार यहाँ पे तो वह भी गलत लगी हुई है। अब ये स्ट्राइक चीज़ें कैसे होती हैं, ये चीज़ें दिमाग में स्ट्राइक कैसे होती हैं, जब आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करते हो। एक बात याद रखना, कोई भी रूल, ग्रामर का कोई भी रूल, जब तक आप उस रूल पे 10 से 20 बार गुजर नहीं लेंगे, यानी जब तक 10 से 20 बार उस पे प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे, आपसे पेपर में वो होना ही नहीं है, मैं तो लिखित में दे रही हूँ आपको, ठीक है। और एक बात याद रखिए, इंग्लिश में अगर आपने एच नहीं लिया इस बार तो आप समझो बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि जो भी ठीक ठाक जिसको भी इंग्लिश आती होगी ना, वो भी आपसे एच लेके निकल जाएगा, क्योंकि इंग्लिश आपको पता है आपके पेपर में आसान आने वाली है और इंग्लिश आपको सॉलिड मार्क्स दिला के जाएगी। देखो जीके जीएस जो है ना वन सर्टेन है ना, कहाँ पूछ लिया जाएगा, कैसे पूछ लिया जाएगा, वो वी डोंट नो, ठीक, साइंस है जो भी है, लेकिन इंग्लिश क्या है, एक भाषा है, वो सर्टेन है, जैसे हिंदी है, ठीक है। तो उसमें भी आपको पता है कि हाँ यार अभी ये पढ़ लिया, संधि समास ये पढ़ लिया, इनसे तो क्वेश्चन आना ही है, तो इन पे तो सही से झेल ही दूंगा। तो वैसे ही इंग्लिश का भी बना के रखो, बहुत सर्टेन चीज़ें हैं, बहुत फिक्स रूल्स हैं, ठीक है, बहुत फिक्स पैटर्न है। अभी जब मैं आपके लिए नए प्रैक्टिस सेट्स लेके आऊँगी तो आप देखोगे, ओके। तो बस एक प्रैक्टिस के लिए बुक लाओ और बढ़िया से रूल्स पढ़ के और उसकी धनाधन प्रैक्टिस करो, 12 दिन 15 दिन जो भी हैं उसमें अपना बेस बनाइए। इसके बाद मैं आप सभी से वापस आऊँगी यहाँ पे और अपन लाइव डेली 1 घंटे पढ़ेंगे पटवारी के लिए या जो भी आपके एमपी के रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनके लिए, ठीक है। चलो तो आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, है ना, और आपको जो भी बातें कहनी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और बहुत सारा धन्यवाद, आपके कमेंट्स देखकर बहुत अच्छा लगा। आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो डेली लिखते थे कि क्लास लाओ, ठीक है, तो उसी से प्रेरित होकर मुझे लगा थोड़ी सी बातें करनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई, मिलती हूँ मैं थोड़े दिनों में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।